हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वंदना फ्रॉम जीजीसी के जूलॉजी क्लासेस। आवर टुडेज टॉपिक इज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन बकल कैविटी। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सबसे पहले बकल कैविटी में स्टार्ट होता है। बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा का सिक्रीशन करती है और उस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन कहते हैं। ये स्टार्च को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है और 6.827 पीएच पर टाइलिन वर्क करता है। टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज जनरली जो कुक्ड स्टार्च या बॉइल्ड स्टार्च होती है उस पर एक्ट करता है। जब फूड के साथ सलाइवा मिक्स हो जाता है तो यहाँ फूड सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है। इसे हम बोलस कहते हैं। अब यहाँ से फूड मूव करता है फेरिंग्स एंड ईसोफेगस में। फेरिंग्स और ईसोफेगस में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। उसके बाद फूड स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में जो HCl का सिक्रीशन होता है उस कारण से वहाँ का मीडियम एसिडिक मीडियम हो जाता है और इस एसिडिक मीडियम में सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी अब स्टॉप हो जाती है। तो स्टमक में भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फिर फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, डियोडेनम, जेजनम एंड इलियम। डियोडेनम इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम, अ सी शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डियोडेनम। ये जो डियोडेनम है, इस डियोडेनम में यहाँ पर एक हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट आकर के ओपन होती है। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट दो डक्ट से मिलकर बनी होती है, एक हिपेटिक डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियास से जो डक्ट निकलती है उसे पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं और लीवर से जो निकलती है उसे हिपेटिक डक्ट बोलते हैं। अब जो पैंक्रियास से डक्ट निकलती है वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है, उसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो 7.1 to 8.3 पीएच पर वर्क करता है और ये रिमेनिंग स्टार्च को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो एंजाइम है वो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है और यहाँ पर जो पीएच आप देखते हैं 7.1 टू 8.3 पीएच है, ये बाइल जूस के सिक्रीशन के कारण यहाँ का मीडियम अल्कलाइन होता है और 30 to 50% स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में हो जाता है और रिमेनिंग स्टार्च का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ड्यूडेनम के बाद जेजेनम पार्ट आता है, वहाँ पर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। उसके बाद जो ईलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। इसमें डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट किया जाता है। माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज ये तीनों डाइसेकेराइड्स हैं। माल्टोज पर माल्टेज एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में उसको इसका ब्रेक डाउन कर देता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में इसका ब्रेक डाउन करता है और लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये तीनों एंजाइम 8.5 पीएच पर काम करते हैं। अब हम इस कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के प्रोसेस को एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। हम जो फूड लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसमें फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड जो है उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं। जब मोनोसेकेराइड की दो दो यूनिट की बॉन्डिंग होती है, दो दो यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो यहाँ डाइसेकेराइड्स बनते हैं और जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। तो तीन टाइप के यहाँ पर मेनली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है और सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है ये स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि सलाइवरी एमाइलेज ने यहाँ पर स्टार्च का ब्रेक डाउन किया और ये स्मॉलर यूनिट्स में इसका ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद में यहाँ से फूड, अब यहाँ फूड को हम बोलस कहते हैं, यहाँ से फूड एंटर करता है फेरिंग्स और ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में एंटर करता है। स्टमक में HCl का सिक्रीशन होता है तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है। उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम वाले पार्ट में होता है। फिर डियोडेनम वाले पार्ट में जब पैंक्रेटिक डक्ट ओपन होती है तो वहाँ से पैंक्रेटिक जूस के थ्रू एक पैंक्रेटिक एमाइलेज का सिक्रीशन होता है जो रिमेनिंग स्टार्च का डाइजेशन कर देता है। मतलब अब इसको और स्मॉलर यूनिट्स में इसका ये ब्रेक डाउन कर देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं उनके अंदर ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और जो एंटरोसाइट सेल्स की जो माइक्रोविलाई होती है उस पर एक स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब
यहाँ पर हम देखते हैं डाइसेकेराइड्स कौन कौन से होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, तीन डाइसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। सुक्रोज जो है उस पर जब सुक्रेज एंजाइम काम करता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में उसको डिवाइड कर देते हैं, और माल्टोज पर जब माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है तो वो उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में डिवाइड कर देता है, और जो लैक्टोज होता है उस पर जब लैक्टेज एंजाइम काम करता है तो वो उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में डिवाइड कर देता है। अब फिर ये बाद में इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हुए सेल के अंदर की तरफ इनका ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये प्रोटीन ट्रांसपोर्टर होते हैं, और इन प्रोटीन ट्रांसपोर्टर के थ्रू यहाँ पर ये अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो फ्रक्टोज और गैलेक्टोज सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, इन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये सेल के अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये GLUT5, ये फ्रक्टोज को ट्रांसपोर्ट करता है। फिर उसके बाद में ये GLUT2 जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यहाँ पर सेल के बाहर की तरफ ब्लड के अंदर डालते हैं। जब ये ब्लड के अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से ये लीवर में जाते हैं। तो ग्लूको गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मेनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं लीवर में, और जो ग्लूकोज होता है वो लीवर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, और या ब्लड ग्लूकोज का पार्ट बनाता है, और मसल ग्लाइकोजन की फॉर्म में भी ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, और फैट की तरह भी ग्लूकोज स्टोर होता है। अब हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की समरी देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जब बकल कैविटी में एंटर करता है तो वहाँ पर जो सेलाइवरी ग्लैंड से एक सेलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो 6.8 pH पर वर्क करता है, और वो स्टार्च को डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। 30 to 50% स्टार्च यहाँ पर डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो फूड बोलस कहलाता है वो फेरिंग्स और ईसोफेगस से होते हुए स्टमक तक पहुँचता है, और जब वो स्टमक में आता है तो यहाँ HCl का सिक्रीशन होता है, और HCl के सिक्रीशन के कारण यहाँ पर जो सेलेवरी एमाइलेज होता है उसकी एक्टिविटी अब स्टॉप हो जाती है, और यहाँ स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन सॉरी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। अब स्टार्च और डाइसेकेराइड्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूओडेनम होता है, वहाँ पर लीवर और पेंक्रियाज से आने वाली डक्ट ओपन होती है जिसे हम हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, और जो पेंक्रियाज से आने वाली डक्ट होती है वो पेंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है जिसमें पेंक्रियाटिक एमाइलेज प्रेजेंट होता है जिसे बीटा एमाइलेज कहते हैं, और वो रिमेनिंग स्टार्च का यहाँ पर डाइजेशन कर देता है। यहाँ जितने भी एंजाइम्स काम करते हैं वहाँ वो एल्केलाइन पीएच पर काम करते हैं, मतलब 8.5 या 8.3 pH पर वो वर्क करते हैं। यहाँ एल्केलाइन मीडियम क्यों होता है, क्योंकि लीवर जो है वहाँ पर उससे बाइल का सिक्रीशन होता है, और इसी बाइल जूस के सिक्रीशन के कारण यहाँ का मीडियम एल्केलाइन बन जाता है। फिर यहाँ पर जो डाइसेकेराइड्स होते हैं ये एंटर करते हैं जेजेनम एंड ईलियम में आते हैं, और फिर ईलियम में इनका फर्दर डाइजेशन होता है। तो ये डाइसेकेराइड्स हैं माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। इन डाइसेकेराइड पर जब इस माल्टोज पर माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा और उसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में इसका ब्रेक डाउन कर देता है। सुक्रोज पर सुक्रेज एंजाइम एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन कर देता है, और लैक्टोज एंजाइम पर लैक्टेज सॉरी लैक्टोज पर लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है इसका। ये सब भी अल्केलाइन पीएच पर ही काम करते हैं, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम। और फिर उसके बाद में जो ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं, इन मोनोसेकेराइड्स का इंटेस्टाइनल वेली में एब्जॉर्प्शन हो जाता है। थैंक यू।